बढ़ई कांड को लेकर बोरहर के जिला पार्षद साथ जदयू के महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव सरिता देवी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना अति दुखदायक है। इस घटना को अंजाम देने वाले तीनों आरोपियों को अगर फांसी से भी कोई बड़ी सजा दे दी जाए तो यह कम ही होगी। बढ़ई कांड में पुलिस की तत्परता पर प्रशंसा करते हुए जिला पार्षद सरिता देवी ने कहा, जिस तरह से पुलिस घटना के बाद कार्रवाई कर महज चंद घंटों के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जो निश्चित रूप से सराहनीय है। उधर जिलाधिकारी से लेकर तमाम सरकार के लोग पीड़िता के साथ खड़े हैं। हर एक सरकारी सुविधा एवं लाभ तुरंत उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर निःसत्ता आयोग के ऊपर आयुक्त वरही पहुंचकर पीड़िता के परिजन एवं दरभंगा में पीड़िता का हाल देखकर बेहतर इलाज के लिए पटना भेजा है। नीतीश कुमार के राज्य में सुशासन की सरकार है, अपराधी किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। बढ़ई जैसा कांड दोबारा नहीं हो, इसके लिए समाज को भी सजग रहने की आवश्यकता है। सामाजिक जागरूकता से ही ऐसे अपराध व शराब जैसे कारोबार पर लगाम लग सकेगा। इस पर क्या कहेंगे, किस तरह से सरकार और प्रशासन पुलिस काम कर रही है? बढ़ई का कांड तो बहुत ही निर्दयी है। इसमें बोलने और में भी हम लोग को झिझक पैदा होती है। बहुत ही खराब, बहुत ही निंदेदायी घटना घटा है, जो आज तक मधुबनी में हम लोग के मिथिलांचल में नहीं घटा था। ये बहुत ही निंदेदायी घटना है। इस विषय में क्या कहें, इस विषय में सिर्फ हम इतना कहेंगे कि हमारी सरकार के द्वारा इनमें बहुत ही जागरूकता के माध्यम से देखा गया है। इस कांड को ऊर्जावान बनाकर हम लोग दिखाना चाहते हैं कि आज के बाद ऐसी निंदा घटना हम लोग के मिथिला में ना घटे। इतनी बुरी घटना है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। बोलने में भी हम लोग को अप्रिय लगता है। एक गरीब लड़की जो पहले से ही बौख थी, उसको ऊपर वाले के दया, ऊपर वाले के ही माध्यम से उसको आधा करके भेजा गया था, और एक निर्दयी घटना स्थल पे ऐसा नित्य कांड किया कि इसके चलते वो आंख से भी अपाहिज हो गई। इसमें हम क्या कहें, इसमें हम बस इतना कहेंगे अपने प्रशासन से, जो हम उनके तरफ से योगदान मिला है बहुत हद तक सराहनीय है। मैं चाहूँगी कि ऐसे ही सराहनीय कार्य होते रहे और इन अपराधियों को जितनी बड़ी सजा हो उतनी बड़ी सजा मिले। इतना तो मैं हर एंगल से, हर समाचार, हर पत्र से और अपने जागरूकता फैलाऊंगी कि इतना जरूर इन तीनों को मिले, जो इतिहास रचा जाए, जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में फिर ऐसा काम करने का कोई काम ना। यह जो घटना घटी है, इसके पीछे कहीं ना कहीं शराब जो मामला है वो सामने निकल के आ रहा है कि जो शराब का कारोबार है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर। क्या कारण है, क्या वजह है, या पुलिस फेल है, कारण क्या है? नहीं, प्रशासन हम फेल नहीं कर सकते हैं कि हमारा प्रशासन फेल है। प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन एक मैथिली में कहावत है कि चोर के लिए ताला क्या और बेईमान के लिए केवाला क्या। चोरी छुपे दिना डिस्ट्रिक्ट तो कोई नहीं कर सकते हैं। चोरी छुपे अवैध शराब नेपाल बॉर्डर हम लोग के यहाँ सटा हुआ है, तो नेपाली शराब आ जाता है, अन्यथा विदेशी शराब कहीं धोखा बाई चांस कहीं मिल जाता है, अन्यथा मिलता नहीं है। जागरूकता बहुत है शराब में भी। निर्दयी है आदमी जो नहीं समझते हैं आज के डेट में वो ऐसी ऐसी घटना करते हैं। हम इस बात से सहमत हैं कि हाँ, इस शराब पी के ही कांड हुआ है। हमें नहीं लगता है कि कोई स्वच्छ आदमी इतना घटिया काम करेगा। इन्हें तो, इन तीनों लड़का को हमने तो देखा नहीं है, लेकिन इस तीनों लड़का को हम चाहेंगे कि कड़ी से कड़ी सजा मिले। जो ताउम्र हरलाखी की जनता याद रखे कि यहाँ पे कांड हुआ था, तो इस तीनों को ही सजा मिली।